श्री गुरुवे नमः। एक युवती डूबती थी नदी में और एक आदमी ने दौड़कर उसे बचाया। सुंदर युवती, गांव के सबसे बड़े धनपति की बेटी, वो भी इकलौती। बाप ने इस जवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, पुरस्कृत करना चाहा और कहा कि तू बहुत हिम्मती है, साहसी है, बहुत ही बहादुर है, तूने इतनी जोखिम उठाई। तो उस युवक ने कहा, माफ़ करें, यह कोई जोखिम नहीं है, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। शादीशुदा भी जोखिम उठा रहा है और ब्रह्मचारी स्त्री से परिचित होने में भी भयभीत है, वह भी जोखिम उठा रहा है। जिनके पास है वे दुखी हैं, जिनके पास नहीं है वे भी दुखी हैं। गरीब दुखी है कि धन नहीं है, अमीर दुखी है कि धन है, अब धन का क्या करें। जीसस एक गांव से निकले और उन्होंने एक आदमी को दौड़ते हुए देखा, एक वेश्या के पीछे पकड़ा और कहा, यह तू क्या कर रहा है? क्या परमात्मा ने आंखें इसलिए दी हैं? उस आदमी ने कहा, तुम भूल गए, परमात्मा ने तो मुझे अंधा ही पैदा किया था, तुमने ही छूकर मेरी आंखें ठीक कर दी थी। जीसस, क्या तुम मुझे भूल गए? मैं अंधा था, तुमने ही मेरी आंखें ठीक की, लेकिन अब आंखों का मैं क्या करूं? इससे तो अंधा ही बेहतर था, आंख से रूप दिखाई पड़ता है, रूप पकड़ में नहीं आता। तुमने कृपा क्या की मेरे ऊपर, तुमने मुझे कष्ट में डाल दिया। जीसस बहुत उदास हो गए। जीसस वापस लौटने लगे गांव से तो उन्होंने छत पर देखा कि एक आदमी आधा छत से बाहर लटक रहा है, उसके मुंह से फूसकर गिर रहा है। उन्होंने उसे आवाज़ दी कि हद हो गई, क्या इतना नशा करते हो? उस आदमी ने आंखें खोली, उसने कहा, क्या तुम जीसस हो? मैं तो मर गया था, तुमने ही मुझे जिलाया, अब मैं जीवन का क्या करूं? तुम मेरे मित्र नहीं शत्रु हो। मैं मर गया था, तुमने मुझे जीवन दिया, अब मैं जीवन का क्या करूं? इसे भूलने की कोशिश कर रहा हूं। जिनके पास है वे भी दुखी हैं और जिनके पास नहीं है वे भी दुखी हैं। तुमने सुखी आदमी देखा है? सुखी आदमी तुम्हें कहीं मिलेगा ही नहीं, और कहीं मिल जाएगा तो तुम भरोसा न करोगे कि यह वह आदमी हो सकता है। इसलिए कोई भरोसा नहीं करता कि जीसस कभी हुए भी हैं, कोई भरोसा नहीं करता कि बुद्ध कभी हुए, कोई भरोसा नहीं करता कि कृष्ण कभी हुए। तुम्हारा मन यही होता है कि सब कपोल कल्पनाएं हैं। हम भली भांति जानते हैं कि सुख हो कैसे सकता है, दुख ही दुख है हमारे चारों तरफ, पर एक बार अगर तुम दुख में आंख गड़ाकर देखोगे तो तुम्हें दुख का कारण दिखाई पड़ जाएगा, तुम्हारी निराशा का कारण तुम्हारी आशा है। सोचो, कोई आशा न हो तो क्या तुम्हें कोई निराश कर सकेगा? तुम्हारी गरीबी का कारण धन की वासना है, अगर धन की वासना न हो तो क्या तुम्हें कोई गरीब कर सकेगा? तुम्हारा अपमान तुम्हारे सम्मान की आकांक्षा है, सम्मान की आकांक्षा न हो तो कौन तुम्हें अपमानित कर सकता है? हर दुख के पीछे यही कारण हो, तुमने कुछ मांगा है उससे तुम दुखी हो, तुम मांगना छोड़ दो, दुख हो जाएगा। तो बुद्ध ने कहा है, तृष्णा तुष्पुर है, वह कभी भरती नहीं और न भरने होने से सदा दुख बना रहता है। तुम तृष्णा छोड़ दो, तृष्णा दुख का मूल है, और अगर तुम तृष्णा को एक क्षण को भी छोड़ दो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख निरोध का मार्ग तुम्हारे हाथ में आ गया है। तृष्णा दुख का मार्ग है, तृष्णा मुक्ति, तृष्णा रिक्त, तृष्णा शून्यता, चेतना दुख निरोध का मार्ग है। तुमने अब तक वासना के रास्ते पर ही यात्रा की है और तुम अब भी चले, लोभ से चले,
जब भी उठे लोभ से उठे, तुमने प्रार्थना भी की या मंदिर भी गए तो कुछ मांगा, तुम्हारी प्रार्थना भी एक वासना है। तुमने ध्यान भी किया तो आकांक्षा थी, तुमने ध्यान से भी कुछ फल पाना चाहा। तुम्हारी सभी कृत्य तृष्णा के रास्ते पर सीढ़ियां बनाते हैं। तुम्हारा एक भी कृत्य ऐसा नहीं है जिसे तुमने तृष्णा के रास्ते को छोड़कर किया हो, और जिस दिन तुम ऐसा एक भी कृत्य कर सकोगे, छोटे से छोटा कृत्य, सांस लेने का भी तृष्णा से शून्य, उस दिन तुम्हें चौथी दशा का पता चल जाएगा कि दुख निरोध है। उसे बुद्ध निर्वाण कहते हैं, महावीर कैवल्य कहते हैं। पहला तो काम है कि मूर्छा टूटे, तुम दुख को देख पाओ। दूसरा काम है दुख का साक्षात्कार करो, यानी कि तप। तीसरा काम है दुख के कारणों की तलाश, और बहुत कारण नहीं है, एक ही कारण है। सभी दुखों के मूल में एक ही कारण है, वह है तुम्हारी तृष्णा, और तब तृष्णा का विसर्जन मार्ग है। और जिस दिन तृष्णा शून्य हो जाती है, एक क्षण को भी ऐसी घड़ी आ जाती है कि आकाश में कोई बादल न हो, तुम्हारे मन में कोई तृष्णा न हो, अचानक तुम पाते हो कि तुम मुक्त हो। उस दिन तुम भरोसा करोगे कि बुद्ध हुए हैं। उस दिन तुम्हें हैरानी होगी कि इतने लोग हैं जिन्हें थोड़े बुद्ध क्यों हुए, इतना बड़ा संसार है, इतने थोड़े लोग निर्वाण को क्यों उपलब्ध हुए। उस दिन तुम्हें चिंता यही होगी।